बगावत के मुकदमे भी अब सुने आप लोगों पे मजीद बनेंगे। क्यों ऐसी बातें कर, जो पहले नहीं किया, पर आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं सर? के अली अमीन कह रहा है कि इनकलाब ले आएंगे, 10 गोलियां मारेंगे। आप लोग जमहूरी लोग हैं, ये किस किस्म की बातें? जमहूरी लोग हैं, ये एक सिम्बॉलिक चीज़ें होती हैं। क्या उन्होंने हमें गोलियां नहीं मारी? क्या उन्होंने हमें डायरेक्ट शेलिंग नहीं की? क्या क्या मुझे, हमें छोड़ें पीटीआई वालों को, जो कुछ साफियों के साथ किया मुझे बताएं। मैं साफियों से शुरू करता हूं। हैदर शिराजी जियो के जो रिपोर्टर हैं, उनको कहा इसको 9th May में डाल देंगे दहशतगर्दी में। उसको कहा आपको पता ही नहीं है कि पंजाब पुलिस करती क्या है, इनकाउंटर में बंदे मार देती है, कोई पूछने वाला कोई नहीं है, हम आपको इनकाउंटर में मार देंगे। मैं सिर्फ एक रिपोर्टर की बात कर रहा हूँ, उसी के साथ उसका फैजान था, कौन उसका दोस्त, उसके साथ यही कुछ किया, तशद्दुद किया, मारा और जो कुछ किया। फिर डायरेक्ट फायरिंग की, वहाँ शेलिंग की, फायरिंग की पिंडी में साफियों के ऊपर। मैं अभी पीटीआई कवर कर उसको छोड़ दें, किस कानून के तहत, किस लॉ के तहत? अभी छोड़ दें कि हमने एक जवाब देना है या नहीं देना, दैट इज़ ए सेकेंडरी थिंग। ये तो हम कह रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको गोलियाँ आके मारेंगे, आपको ये करेंगे ये करेंगे। अदरवाइज तो सेल्फ डिफेंस का हर किसी को हक हासिल है, मुझे कोई गोली मारेगा मुझे हक हासिल है कि मैं पहले मार दूं। लेकिन हम रेस्ट्रेंट कर रहे हैं, हम अपने आप को एक सिटीजन, इनोसेंट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के तौर पर, मासूम शहरी के तौर पर हम जुल्म सह रहे हैं, हम इनकी यजीदियत और फस्ताइयत का मुकाबला कर रहे हैं। आपने देखा, आप 80 साल एक खातून, बूढ़ी खातून, वो दहशतगर्दी के मुकदमे में बंद है। इनके अंदर में शोएब शाहीन, जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो पाकिस्तान का सीनियर मोस्ट वकील और पाकिस्तान के तमाम बार कौंसल, बार एसोसिएशन को मैंने हेड किया हुआ है, उनकी नज़र में मैं दहशतगर्द हूँ। 9 पर्चे मेरे खिलाफ़ दहशतगर्दी के। अब परसों हम जा रहे हैं, मैं हूँ, गौर साहब है, सलमान अक्रम राजा है, हमारी गाड़ी रास्ते में रोक ली कि तुम जा क्यों रहे हो, तुम्हारे खिलाफ़ पर्चा होगा, तुम्हें जेल में डालेंगे। हमने कहा डालो। खैर वहाँ से हम निकले, दूसरी गाड़ी में मैं गया, बाकी तो ये दोस्त चले गए। तीसरी में गया, मैंने 3 अटैम्प्ट किए और हर बार मेरे पीछे पुलिस आई। फिर हमने 2-2, 3-3 की टोलियों में हमने वहाँ बंदे भेजे, क्योंकि मैंने कहा मुझे पहचानते हैं, आप लोग को नहीं पहचानते, आप लोग तो पहुंचो। पर जो खान बात यह है, बात यह है आ रही है कि वो नाराजगी का भी इजहार कर रहे हैं कि जमात उस तरीके से एहतजाज नहीं कर रही, बल्कि ये भी रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने कहा कि बुजदिल है क़यादत, स्पेशली जो बैरिस्टर गौर साहब का नाम भी आया। देखिए विद रिस्पेक्ट, हमारा इंटरनल एहतसाब रोज़ होता है, हम रोज़ इम्तिहान से गुजरते हैं। पर्चे करना, जेलों में डालना, वो तो मैं हो आया हूँ, जेलों में से हो आया, हवालात में भी बंद होकर आ गए, CIA में रह के आ गए, कई कई पर्चे हमने भुगते हैं, वो हम भुगत रहे हैं, आइंदा भी भुगत लेंगे। बात यह है कि हम पुरअमन शहरी हैं, पुरअमन शहरी थे और आइंदा भी रहेंगे। एक बात तय है कि हम ये कहते हैं कि ये यजीदियत और फस्ताइयत को बंद करें, ये मसाइल का हल नहीं है। मुझे बताएं, इसी शहर इस्लामाबाद में आया था मरियम नवाज़, आई PDM की जमातें आईं, हमारी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई, हमने उनको रेड जोन तक सेफ पैसेज दिया और सिक्योरिटी दी। हमारे खिलाफ मौलाना फजल रहमान साहब 2 दफ़ा धरना दिया उन्होंने, हमने उनको फैसिलिटेट किया यहीं G9 के पास। हमारे पास बिलावल भुट्टो साहब आए, जिस वक्त पंजाब में भी हमारी हुकूमत थी, फेडरल गवर्नमेंट में भी हमारी हुकूमत थी, वह पूरा सिंध से पंजाब हुकूमत से होते हुए पंजाब की रेड टेरेटरी से इस्लामाबाद के रेड जोन में पहुँचे, हमने उनको फैसिलिटेट किया। देखिए फंडामेंटल राइट है, कोई भी पार्टी एहतजाज करे, गैदरिंग करे या रैली निकाले। ठीक, हमने एक इजाज़त मांगी कि हमें लियाकत बाग में जलसा करने की इजाज़त दें, नहीं दी, हमने कहा हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब प्रोटेस्ट के ऊपर चले, आप लियाकत बाग के इर्द गिर्द पुलिस लगा दो, आप कह दो कि ना पहुँचे, मुझे बता दें पूरा पिंडी डिवीजन इन्होंने जाम कर दिया, किस कानून के तहत? मुझे बताएं, मैं टैक्स देता हूँ, मैं एक रोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं रोड पर जा रहा हूँ, मेरे खिलाफ किस कानून के तहत मेरे लिए रोड बंद कर दी, आपकी रोड बंद कर दी, दूसरी कर दी? फैजाबाद धरना जजमेंट, जो एक ही क्रेडिट है उनके ऊपर ऊपर, बाकी तो सारे डिसक्रेडिट है उनके, उसके अंदर उन्होंने कहा कोई भी शख्स, खा वो इदारा है खा वो पार्टी है, कोई भी शख्स या इदारा या कोई अशखास या चंद लोग जो रोड बंद करेंगे, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा। आपने रोडें बंद कर दी, और जब दिल करता है संगजानी का हमने जलसा किया, संगजानी के जलसे में पूरा रावलपिंडी डिवीजन बंद, लाहौर के जलसे की इजाजत दी, इजाजत दी, और वो भी 10 घंटे वो कहाँ काना में जाकर 10 घंटे लगाकर हम पहुंचे। आपको पता है मोटरसाइकिल पे उसमें सर तनकीद ये भी हो रही है ना कि फिर आप लोग वहाँ पे करते क्यों हैं? आप सियासी जमात हैं, आप जहाँ पे करना चाहते हैं वहाँ पे पहुंचे, अगर आईन और कानून आपको इजाजत देता। और दूसरी बात, आईन और कानून तो देता है, ये बदमाश
ये बदमाशों के ब्यूरोक्रेट गुलाम, गुलामों की दर गुलाम जो पुलिस है वो हमें बेईमानी करती है, बदमाशी करती है, गोलियां मारती है, तशद्दुद करती है, शेलिंग करती है, हमने भुगता ना सारा कुछ किया पूरे पिंडी में सारा दिन सुबह 8 से रात 10 बजे तक यही होता रहा। आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को ही मजबूत करने के लिए अब आईनी तरमीम लाने की बात की जा रही है, एक आईनी अदालत बनाई जा रही है ताकि आप लोगों के जो आईनी हकूक है उनका तहफ़ किया जाए, तो आप हुकूमत को सपोर्ट करेंगे मौलाना के साथ मिल के कुछ ला रहे हैं इसलिए कि अगले हफ्ते इनकी ख्वाहिश है कि ये तो तैयारी कर रहे हैं हुकूमत वाले पूरी? देखिए पहली बात तो यह है कि मौलाना साहब की इस बात से हम इत्तेफाक करते हैं कि उन्होंने कहा ये इलेजिटिव पार्लियामेंट है, इनको कोई हक हासिल नहीं है, इस पर कोई शक व शुबा नहीं है। मैं यहां बैठा हूं, बाहर बैठा हुआ हूं, मैं पार्लियामेंटेरियंस नहीं हूं, मैं 1,05,000 वोट लेकर जीत के बैठा हूं, आज भी मेरे पास फॉर्म 45 है, ना ट्रिब्यूनल चलने दे रहे हैं, ना इलेक्शन कमीशन जो जराइम की आवाज का अपना हुआ है ना केस को चलने दे रहा है, कभी एक ट्रांसफर कभी दूसरा ट्रांसफर कभी क्या हैंड पिक्ड रिटायर्ड जजेस को लगाना चाहते हैं। और दूसरी बात मुझे बता दें, आज भी पार्लियामेंट ये इलेजिटिमेट है, ये मौलाना ने कहा है, हम उसके इस मुतालबे को तस्लीम करते हैं कि इनके पास कोई आईनी किसी तरह से तरमीम हो ही नहीं सकती इनसे। नंबर टू मुझे बता दें, आज ही नेशनल असम्बली मखसूस नशस्तें नहीं मिली, वो इनकम्प्लीट है, तो कैसे आप कर सकते हैं? तीसरी बात, आज भी सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ केपी का, क्या पूरे एक फेडरल यूनिट को आप साइड पर रखना चाहते हैं और कैसे आप आईनी तरमीम ला सकते हैं? चौथी बात यह है कि जो उसके अंदर मुसवदा है ये मार्शल्ला से बदतर मार्शल्ला है। मुझे बता दें आर्टिकल 8 में तरमीम की बात कामरान मुर्तजा ने क्या कहा, बिलावल ने कहा जी मजबूरी है करनी पड़ेगी, यानी उसमें आप आर्टिकल 8 के तहत वो तरमीम करके आप लोगों के शहरियों के बुनियादी हकूक मुअत्तल कर रहे हैं। ठीक। दूसरी बात, आर्टिकल 199 में किसी को भी उठा के ले जाएं, सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का नाम ले दें, उसको उठाएं, उसको मारें, उसको तशद्दुद करें, उसकी लाश फेंक दें, आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। तीसरी बात मुझे बता दें, आर्टिकल बाकी जो तरमीम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक आईनी अदालत बिठा देंगे जो कि एक्चुअली गैर आईनी अदालत होगी जिसका सरबराह काजी फाइसा होगा और उसको अपॉइंट कौन करेगा, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, यानी मनी लॉन्डर और जो डकैती के जरिए वोट चोरी और डाकाजनी के जरिए वजूद में आने वाली वो जो प्राइम मिनिस्टरशिप है जो 17 सीटों के साथ प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठा हुआ है वो फैसला करेगा कि मेरे फैसले कौन करेगा, वो उन्होंने क्या फैसले करने हैं। और ऐसी अदालत जो 68 ईयर्स तक भी काम करेगी और उनकी एज बढ़ा दी जाएगी। वैसे वैसे आज ही वो रियासत अली आजाद साहब किसी जगह पे कह रहे थे कि इस मुल्क में बंदा 35 साल का होता है तो कहते हैं ओवर एज हो गया, इसको नौकरी नहीं देनी, और दूसरी जानब जो है इतने बड़ी उम्र में भी नौकरियां मिलेंगी। लेकिन इशू ये है कि आपके कुछ लोग भी वोट दे सकते हैं, 63A वाला मामला भी मौजूद अदालत के सामने आया, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने खत भी लिख दिया, उस खत को कैसे आप देखते हैं? देखिए बेहतरीन खत लिखा है उन्होंने, कोई उन्होंने अपनी ज़ात का जवाब नहीं दिया, दिस क्रेडिट गोज़ टू जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने अपनी ज़ात के ऊपर दिए गए लगाए गए इल्ज़ाम का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस रेज़ किए थे आपने उसका तो जवाब नहीं दिया, आपने मेरे ऊपर कुछ और चीज़ें जो लिखी हैं उसकी तो हैसियत नहीं जवाब देना। दूसरी बात, जब एक दफ़ा कमेटी में ये फैसला हो गया कि इसको हेड करेगा मंसूर अली शाह साहब, अब आप ख़ुद क्यों बैठ गए हैं? यानी जाते जाते नाइंसाफी की बदतरीन मिसालें कायम करके अपने लिए राह हमवार करना चाह रहे हैं, तो आपका तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको तो बैठना ही नहीं चाहिए ऐसे केसेस में, और ऐसी क्या इमरजेंसी है कि जो 2 साल में नहीं लगा, आपने जाते जाते हर हाल में इसको लगाना है ताकि आगे आईनी पैकेज ला सके। इसके ऊपर सर जो वकला की तहरीक की बात होती है, एहतजाज की बात होती है, क्रेडिट देना पड़ेगा आजम नजीर तारड़ साहब को कि वकला तहरीक कोई नहीं चली, वो जो ग्रुप है वो मजबूत है, आप लोग अपोजिशन में भी हैं, पॉपुलर सेंटीमेंट भी है, लेकिन PTI के वकला जो है वो लोगों को मुतहरिक नहीं कर सके उस तरह तहरीक। साहब अगर यजीदियों के पास उस वक्त असला ज्यादा था और यजीदियत ने हुसैन और उनके लोगों को कत्ल कर दिया तो यजीद था हुसैन है, बात यह है कि सच पे कौन खड़ा है, आज़म नज़ीर तारड़ हो या उसका कोई ग्रुप हो, जो इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगा तारीख में उनका नाम स्याह तरीन अल्फाज में याद रखा जाएगा। आज सब वो किरदार मर गए हैं जस्टिस मुनीर और उनके साथ चलने वाले, लेकिन वो बदतरीन किरदार भी याद है और कार्निलियस का किरदार भी आज भी याद है लोगों को, जिसने हवा के रुख के खिलाफ खड़ा होके हक सच का साथ दिया। जिंदगी कितनी है, मर जाना है हर किसी ने, ये 3 साल इक्तदार ले भी लिया या ये 100 कार्ड आजम नजीर तारड़ बैठ भी किया, इन लोगों की चेहरों के ऊपर लिखा हुआ है कि लोग इनके से नफरत करते हैं,
लोग इनकी इज्जत नहीं करते। कुरान मजीद में है वो तो इज्जत मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा बेद कल खैर इन्ना आला कुल्लशैन खदीर। आज जेल में बैठने वाला वो शख्स सबसे ज़्यादा बाइज्जत है, आज लोग उसके लिए जाने कुर्बान करने को तैयार हैं, उसका नाम है इमरान खान। मुझे बता दें ये सबक है अल्लाह के हुक्म का के मुताबिक लोगों के लिए सबक है। आज भी आप खड़े हो जाओ, मुझे बता दें कि तहरीक क्या होती है। वकला तहरीक का स्टार्ट हो चुका है और इंशाल्लाह इस हफ़्ते हम पिशावर में, बाजोड़ में, शायद कराची में भी इसी हफ़्ते हम उसमें लॉयर्स कन्वेंशन करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आपको फ़र्क नज़र आएगा। पाकिस्तान की तारीख में ये बुरे और स्याह किरदार माजी में भी थे, आइंदा भी रहेंगे, मगर इनके चेहरे लिखे जा चुके हैं। आपको इंशाल्लाह ताला तो वो क्या कहते हैं ना, नविश्ता दीवार पे लिखी हुई चीज़ें हैं जो हर किसी को नज़र आ रही।